मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने की लड़ाई शुरू कर दी है। आरक्षण मिलने तक वे एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जारंगे पाटिल सांगली जिले के वीटा में बोल रहे थे, 24 दिसंबर को हमारी परीक्षा है, लेकरेरा के लिए लड़ो, शांतिपूर्वक विरोध करो। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने एकता और मतभेद को ना तोड़ने की भी अपील की। इस मौके पर बोलते हुए जारंगे पाटिल ने कहा, मराठों को आरक्षण को समझने में समय लगा। 1970 में आरक्षण था, लेकिन ओबीसी नेताओं का दबाव था, इसलिए सबूत दबा दिए गए। लेकिन आज मराठों की एकता देकर सरकार सबूत ढूंढने लगी। आज पूरे महाराष्ट्र में लाखों प्रविष्टियां मिलती हैं। हमने 70% लड़ाई जीत ली है, आनंद का क्षण निकट है। लेकिन मराठा सावधान रहे, 24 दिसंबर आपकी परीक्षा है, शांतिपूर्वक विरोध करें। अब से किसी को भी आरक्षण के लिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। एक कुनबी प्रवेश से 200 लोगों को लाभ होगा। 1805 से लेकर 1967 से लेकर 2023 तक मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि यदि 70 साल पहले आरक्षण दिया गया होता तो मराठा समाज आज एक उन्नत जाति बन गया होता। हम जवाब चाहते हैं कि 70 साल में हमें किसी ने आरक्षण नहीं दिया। 70 वर्षों में सभी राजनीतिक दल और नेता हमारे पूर्वजों ने ही खड़े किए हैं। आज जब जनता को इन नेताओं की मदद की जरूरत है, तो एक भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। अगर मराठा समुदाय मानदंडों को पूरा करता है तो भी उनके लिए आरक्षण क्यों नहीं है? आरक्षण उन सभी को दिया गया जिनके पास खेती है। मराठा समुदाय के पास आरक्षण क्यों नहीं है? हमें उस व्यक्ति का नाम जानना होगा जिसने आरक्षण नहीं दिया है। आरक्षण के सभी मानक पूरे किए गए हैं, क्या मराठा जाति कुनबी नहीं बन जाती? इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। जिन लोगों को खेती और कुनबी पर शर्म आती है, उन्हें अपनी खेती बेच देनी चाहिए और चांद पर रहना चाहिए। कोई भी मराठा सुनामी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो उसे समझाएं। माहिती का काल माहिती मिळाली, परंतु मराठ्यांना आरक्षण मिळणार हे आम्ही त्याही वेळेस त्यांना सांगितलं। ते आता याच्यावरती विचार करून मराठा समाजाच्या गोरगरिबांच्या लेकरांच्या पाठीशी उभा राहते करणार नाही, आम्हाला अशी आहे की ते पाठीशी उभा राहते कारण गोरगरिबांच्या लेकरांना करणार नाही। भूमिका त्यांची त्या दिवशी होती, आताही त्यांची विचारात रात्री 12 वाजता दिया तरी आपण आपल्या समाजाचे धग आणि व्यथाच मानणार। कोणी सांगितलेलं होत नसतं आणि सांगणार त्यांना ऐकणार नाही, आपल्या जवळ उभा राहून देत नाही, त्यांना प्रामाणिकपणाने एक मुलगा म्हणून बोलतोय, उभाच राहू देत नाही तर पाठीमागं पुढं काय सापडू शकत नाही, सापडत त्याला फक्त आमच्याकडे आम्ही आम्हाला त्याला बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पानसिक रिपोर्ट।